हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स क्रैक सीटेड सीरीज। तो अचीवर्स क्रैक सीटेड सीरीज में लर्निंग की थ्योरीज कर रहे हैं हम, और जो लर्निंग की थ्योरीज है उसमें हमने बिहेवियर्स थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है। बिहेवियर्स थ्योरीज यानी कि आपकी जो व्यवहारवादी सिद्धांतों पर जो आधारित आपकी थ्योरीज है उन्हें हमने किया था अपने पिछले कुछ वीडियोज में, और उसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी थी जहां पर हमने वॉटसन और पैवलोव की थ्योरी पढ़ी थी। इसके बाद हमने वहां पर ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करी थी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जहां हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग की भी बात करी थी जो कि आपके स्किनर की थ्योरी है। तो अब हमें स्टार्ट करनी है कॉग्निटिव थ्योरीज यानी कि आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरीज में जो सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है आपकी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो जो इनसाइट होता है इसका मतलब होता है अंतर्दृष्टि, इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये थ्योरी जो है गेस्टाल्टवाद से आती है इसीलिए इसे गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। प्रोपोनेंट्स गेस्टाल्टिज्म के कौन है? वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका और मैक्स वर्दीनी। अब गेस्टाल्ट वर्ड है क्या? तो देखिए, गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका आपको इंग्लिश में कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम इसके क्लोज मीनिंग्स, हम इसके बहुत पास का अगर अर्थ निकालने की कोशिश करें तो आप इसको समझ सकते हैं होल या टोटल पैटर्न या पूरी पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, होल या कंप्लीट कह लीजिए, ठीक है, एक पूर्ण की बात हो रही है यहाँ पर। तो है ये जर्मन भाषा का शब्द, इसका हमें अगर हम मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो हमें पूर्ण समझ में आता है होल या कॉन्फ़िगरेशन या टोटल पैटर्न। अब गेस्टाल्ट जो है इसी से आपका निकल के आ रहा है गेस्टाल्टिज्म यानी कि गेस्टाल्टवाद, जिसके प्रोपोनेंट्स हमने बताए कौन कौन है, इनके प्रवर्तक हैं आपके कोहलर, कोफका और वर्दीनी। तो इनसाइट थ्योरी में अगर नाम आता है कि किसके द्वारा दी गई है तो हम इनका नाम ले सकते हैं, वोल्फगैंग कोहलर, कर्ट कोफका, मैक्स वर्दीनी। इस स्कूल का यानी कि गेस्टाल्टवाद को मानने वाले जो प्रवर्तक हैं इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। मतलब अगर हम किसी चीज के बहुत सारे भाग को एक साथ फिर जोड़ें, जो होल, जो पूर्ण, जो संपूर्ण हमारे सामने बनकर आ रहा है वो मात्र उन भागों को जोड़ने से बनके नहीं आ रहा, वो उससे भी कहीं कुछ ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने पेपर पे कुछ अल्फाबेट लिखे, सी लिखा, ए लिखा, टी लिखा, ठीक है, अगर आप इनको कंबाइन करेंगे, सी ए टी कैट, आप इसको एक साथ लिखेंगे, पार्ट्स थे इसके, आप हमने एक वर्ड बना दिया। अब ये वर्ड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसका एक मीनिंग है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। वैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं, हम उनको जोड़ के, क्लब करके अगर हम उसको एक संपूर्ण बना भी दें तो भी उसका जो मीनिंग है वो सिर्फ पार्ट्स को जोड़ने से जो आ रहा है वही नहीं है, वो उससे कुछ और अधिक निकल के आ रहा है। वो संपूर्ण का मतलब जो होता है वो उससे अधिक है। तो होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स यानी कि जो पूर्ण होता है उसका महत्व उसके पार्ट्स यानी उसके भागों से कहीं अधिक होता है। अब लर्निंग की हम इसकी बात कर रहे हैं, इनका कहना था कि जो लर्निंग होती है यानी कि जो हमारा अधिगम हो रहा है, जो हमारा सीखना है, वो भी समग्र रूप से होता है, होल फॉर्म में होता है, ठीक है, वो हम पार्ट्स में कोई चीज नहीं सीखते। हमें अगर किसी तरीके से समझना है कि एक पर्सन किस तरीके से लर्न कर रहा है तो हमें उसके समग्र रूप को समझना पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो व्यवहारवाद में बातें हो रही थी वो ये हो रहा था कि हम पार्ट्स की बात कर रहे थे, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो लर्निंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। जैसे उन्होंने कुछ हिस्सों को पढ़ा, उन्होंने कहा भाई स्टिमुलस है और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, कोई उद्दीपक है जिसके प्रति जो है ऑर्गेनिज्म अनुक्रिया दे रहा है और बार बार जब ये अनुक्रिया होती है तो वो चीज को सीख जाता है, ठीक है। बिहेवियरिज्म में हम कहीं ना कहीं इन चीजों की बात कर रहे थे, चाहे वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग ऐसा लर्निंग की बात हो, चाहे आरएस लर्निंग की बात हो जब हम स्किनर की बात करते हैं, ठीक है, कि रिस्पॉन्स जैसा होता है वो आपको मोटिवेट करता है कि आगे वो काम होगा या नहीं होगा, ठीक है, वहां आरएस लर्निंग हो रही थी। लेकिन हर चीज की लर्निंग में हम अलग अलग पार्ट्स को पढ़ रहे थे, कैसा स्टिमुलस है तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा, या कैसा रिस्पॉन्स आया तो आगे फिर से वो एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। हम ट्रायल और एरर करके देखेंगे, बार बार गलती करेंगे, बार बार सीखेंगे। जो गेस्टाल्टवाद को फॉलो करते हैं उनका कहना था कि आप इस तरीके से पार्ट्स में नहीं देख सकते कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लर्निंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, आपको समझना पड़ेगा एज अ होल कि वो उसके दिमाग में पूरी प्रक्रिया, किसी चीज को सीखते समय जो पूरी प्रक्रिया चल रही है आपको उसे एज अ होल देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो पर्सन सीख रहा है, ठीक है। आप पार्ट्स में समझने की कोशिश मत कीजिए, आपको होल संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से देखना है कि लर्निंग कैसे होती है। तो इनका कहना था कि लर्निंग या सीखना जो होता है वो समग्र रूप से होता है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आता है आपका इनसाइट, ठीक है। अब ये इनसाइट वर्ड क्या है? इनसाइट का मतलब होता है सडन फ्लैश इन द माइंड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। सडन फ्लैश इन माइंड का मतलब है
कि आपके दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आ गया, वो आता ना मेंटोस का ऐड, दिमाग की बत्ती जलना, बिल्कुल ठीक उसी की तरह आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हैं, सोचते सोचते अचानक ही आपके दिमाग में आइडिया आया कि ये प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन से क्रैक की जा सकती है। तो जो सॉल्यूशन आपको एकदम से दिमाग में आया वो क्या है, आपका इनसाइट, जिसे आप सूझ या अंतर्दृष्टि कहते हैं, ठीक है। अचानक आपके दिमाग में आइडिया आ जाना कि ओके ये प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व होगी, तो यही है इनसाइट। अब लर्निंग बाय इनसाइट को प्रूफ किया कोहलर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स या अपने प्रयोगों द्वारा। जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो किस पे हुए थे, चिंपैंजी पे हुए थे, ठीक है, चिंपैंजी पे हुए थे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वन मानुष। तो वन मानुष के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे चिंपैंजीज लिए थे, लेकिन उसमें एक चिंपैंजी जो था वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिसने अपने आप को कई एक्सपेरिमेंट्स में इंटेलिजेंट शो किया था, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब किए गए उसमें सुल्तान जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकल के आ रहा था, उसका नाम सुल्तान था। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया गया, चिंपैंजी को एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया। अभी चिंपैंजी था हंगरी, ठीक है, इसे भूख लगी हुई थी, और केज के ऊपर से रूफ से इन्होंने क्या करे, बनानास को हैंग कर दिया, बनानास टांग दिए इन्होंने यहाँ पे से। अब इस चिंपैंजी को इन बनानास को लेना था, पिक करना था, तो वो क्या करता है, बार बार जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनको नहीं उतार पाता, वो इन तक रीच ही नहीं हो पा रहा था, इन तक नहीं पहुंच पाता है। तो फिर वो क्या करता है, इस केज में आसपास कुछ लकड़ी के क्रेट्स रखे हुए थे, सुल्तान को इन क्रेट्स को देख के आइडिया आता है कि इन क्रेट्स को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए और फिर मैं इनके ऊपर चढ़ूं तो मैं इन बनानास तक पहुंच सकता हूं। वैसे अगर आप कुछ और बुक्स में भी पढ़ेंगे तो केज के बाहर से कोहलर बैठा हुआ था और कोहलर ने एक्चुअली एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखी, तो वहां से सुल्तान को आइडिया आया कि शायद इसके आसपास जो एक क्रेट्स रखे हुए हैं, अगर मैं इनको एक के ऊपर एक रखूं तो मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। इसी तरीके से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था, यहां पर भी कोहलर ने क्या किया, पिंजरे में चिंपैंजी को बंद कर दिया, वो भी हंगरी था, और फिर इसके बाद उसने इसके सामने दो स्टिक्स रख दी थी, ठीक है, ये दो स्टिक्स जो थी इसने यहाँ इसके सामने रख दी और इसके सामने यहाँ पर बनानास रख दिए। अब ये इन स्टिक्स के सहारे इन बनानास तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों ही स्टिक्स छोटी होती है, इससे भी पकड़ के पहुंचने की कोशिश करेगा, केलों को अपनी तरफ सरकाने की कोशिश करेगा, इससे भी करेगा, लेकिन दोनों ही स्टिक्स जो थी वो छोटी थी, तो बार बार कोशिश करने के बाद भी वो इन बनानास तक नहीं पहुंच पा रहा था। फाइनली वो क्या करता है, वो बैठ जाता है केज में और इन स्टिक्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। खेलते खेलते अचानक ये एक स्टिक जो है दूसरी स्टिक के अंदर फिट हो रही है, वो जैसे ही इस स्टिक को जो है इसके अंदर फिट करता है तुरंत, बल्कि केज में एक जगह जाकर चिंपांजी बैठ गया था, और फिर जैसे ही स्टिक पूरी इतनी लंबी हो जाती है वो दौड़ के आया वापस से केज के पास और इस स्टिक के सहारे से, आप उसने देखा कि स्टिक लंबी हो चुकी है, स्टिक के सहारे से इसने इस केला को अपनी तरफ करने की कोशिश की और वो इसमें सक्सेसफुल रहा। तो देखिए यहां पर पहले उसने प्रयास किए, जब वो इन दोनों स्टिक्स के सहारे नहीं पहुंच पाया तो वो उसके साथ बस खाली खेलने बैठ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि स्टिक जो है अब लंबी हो चुकी है, तुरंत उसके दिमाग में आइडिया आया कि अब मैं इन बनानास को यहां से पिक कर सकता हूं। तो ये भी क्या था, उसका इनसाइट था, ठीक है, अचानक से उसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सूझ गया। अब देखिए लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं कि सीखने के नियम क्या होते हैं आपके इनसाइट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जिसे हम कहते हैं समानता का नियम। अब देखिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अनुसार कोई चीज अगर हमें किसी चीज से समान लग रही हो तो वो हमें याद हो जाती है या याद आ जाती है, ठीक है। तो लर्निंग यहाँ किसके द्वारा हो रही है, यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी दिख रही है दो चीजों के बीच में। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि अगर आप मार्केट में इसमें जा रहे हैं और आपको सामने से कोई आता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी शक्ल आपके किसी मित्र से मिलती है, तो आपको अचानक से क्या हुआ, वो सामने से जो व्यक्ति आया था उसकी शक्ल से आपको अपने मित्र की शक्ल याद आ गई। सूझ है ना यहाँ पर कि एक सामने से आते हुए व्यक्ति ने आपको अपने मित्र की याद दिला दी। तो इसीलिए जो सिमिलर थिंग्स होती हैं वो आसानी से याद हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू डिसिमिलर थिंग। फिर नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विपरीतता का नियम। अब देखिए विपरीतता का नियम क्या कहता है, कोई सिचुएशन में जब हम होते हैं तो उसके अपोजिट सिचुएशन, जो उसके उलट सिचुएशन होती है वो हमें अचानक से याद आ जाती है। जैसे कि एक पर्सन जो है उसकी एडवर्सिटी उसे रिमाइंड कराती है उसके प्रॉस्पेरिटी की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो इस समय बहुत एडवर्स कंडीशंस में है यानी गरीबी झेल रहा है, लेकिन किस समय में वो बहुत अमीर हुआ करता था, तो क्या होगा, उसकी गरीबी उसको अमीरी का याद दिलाएगी कि भाई एक टाइम ऐसा भी था जब मैं अमीर था और मैं हर चीज अफोर्ड कर सकता था, आज मैं नहीं कर सकता हूं। या फिर आप कह लीजिए सीजन के साथ ऐसा होता है, जब हम बहुत ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है अरे सर्दियों के दिन ज्यादा अच्छे थे। तो कोई जो चीज है, कोई सिचुएशन आपको उसका जस्ट ऑपोजिट या उसकी विपरीत चीज याद दिला रही है, यही आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं निकटता का नियम।
तो इसके अनुसार बहुत सी चीजें जो एक साथ ग्रुप की जा सकती हैं, वो हमें आसानी से याद हो जाती हैं। दिस मीन्स दैट वी परसीव ऑल क्लोजली सिचुएटेड और लोकेटेड थिंग्स एज ग्रुप्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स का, जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ये सारी क्या है, आपको पता है ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। अगर आप एक के बारे में सोचेंगे अचानक आपके दिमाग में जो है बाकी सारी चीजें भी आ ही जाएंगी, ठीक है, या फिर इनको एक ग्रुप के तरह याद करना आपके लिए आसान है, ठीक है। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी जिसमें होती है चीजों में, वो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप कुछ चीजों को एक साथ कैटेगराइज कर सकते हो तो वो आसानी से आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, थिंग्स इन कंटिन्यूटी कैन बी लर्न इजीली। कंटिन्यूटी में चीजें जो होती हैं, निरंतर चीजें जो होती हैं, वो हमको आसानी से याद हो जाती हैं। इसमें आप हिस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारी जैसे बैटल्स, कौन सी बैटल कब लड़ी गई, कौन सी लड़ाई कब हुई, तो उसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं। अब वो डेट्स हमको ऐसे याद नहीं होती है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री कोई सीक्वेंस में पढ़ाए, ठीक है, पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाए, फिर आपको मिडिवल पढ़ाए, फिर आपको मॉडर्न पढ़ाए, मतलब आपको ये बताया कि इस राज्य के बाद ये राज्य आया, इसके बाद ये आया, फिर तो आपको डेट्स या ईयर वाइज आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री वगैरह जैसे है कि वो हमेशा कंटिन्यूटी में पढ़ी जाती है। आप बीच से उठा के कोई चीजें याद करने की कोशिश करेंगे इन फैक्ट्स को, तो आपके दिमाग में उतनी अच्छी से नहीं बैठेंगी जितना अगर आपको कोई कंटिन्यूटी में पढ़ाएगा तो आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ क्लोजर, समापन का नियम। तो इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति के अंदर ना हमेशा एक एंग्जाइटी रहती है जब तक वो किसी काम को खत्म नहीं कर लेता। मैंने कोई काम शुरू किया और मुझे उसे खत्म करना है, जब तक मैं उसे पूरा फिनिश नहीं कर लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, या मुझे मेरी जो एंग्जाइटी है, मेरे अंदर जो तनाव है वो कम नहीं होगा। जैसे कि अगर लोग जो होते हैं पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, पजल्स आती है पेपर में, अगर पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर मान लो कहीं पे अटक रहे हैं, सब कुछ हो गया है, बस एक या दो जगह पे अटक रहे हैं, वो चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि हम किस किस तरह से इसको क्या करें, पजल को पूरा कंप्लीट कर दें। अब जब तक वो पूरा सॉल्व नहीं होगा हमें चैन नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ ऐसा बहुत होता है कि मान लो उनको कोई गेम दिला दीजिए आप नया, उसमें बहुत सारी लेवल्स होती हैं, अब जब तक सारी की सारी वो लेवल्स पार करके आगे तक नहीं पहुंच जाएगा, उसे फिनिश नहीं कर लेंगे ना, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। तो ये क्या है, ये एक एंग्जाइटी होती है किसी काम को फिनिश करने की, क्योंकि हम कोई काम को जब समाप्त कर देते हैं, जो कंप्लीट कर देते हैं, तब जाकर जो है हम सेटिस्फाइड फील करते, संतुष्टि हमें महसूस होती है। ये लॉ जो है कहीं ना कहीं आपके थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से जुड़ा हुआ है, प्रभाव का नियम, ठीक है। कि प्रभाव का नियम क्या है आपका, प्रभाव के नियम में हमने देखा था कि किसी काम के बाद अगर हमें अच्छा फल मिलता है तो हम उस काम को दोबारा करते हैं, और अगर हमें किसी काम के बाद जो है खराब चीज देखने को मिलती है तो हम उस काम को नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर भी आपका ये है कि लॉ ऑफ क्लोजर, अगर आपको पता है कि ये गेम पूरा खत्म करने के बाद आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप उस काम के तरफ लगे रहते हैं, हमें पता है क्योंकि वो काम हमें सेटिस्फेक्शन देगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग थ्रू इनसाइट, यानी ये जो सूझ के द्वारा हम सीखने की बात कर रहे हैं, इसको कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला है आपका एक्सपीरियंस यानी अनुभव। देखिए अनुभव जितना ज्यादा होगा किसी व्यक्ति का, उतना ही उसका इनसाइट भी स्ट्रांग होगा। अब अगर मान लीजिए मैं बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी हूं, तो ऑब्वियसली मेरे सामने अगर कोई नई प्रॉब्लम आती है तो अचानक से मेरी सूझ वहां पर मुझे हेल्प करेगी कि अच्छा इसमें इस तरह का सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है, या इस तरह से मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो अनुभव जितना ज्यादा होगा इनसाइट उतना ही स्ट्रांग होगा। सेकेंड आती है आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, ये भी आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितना ज्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होगा उतना ही उसका इनसाइट स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर कोई बहुत अधिक बुद्धिमान है तो वो क्या करेगा, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बहुत जल्दी निकाल लेगा, क्योंकि उसे हर प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट को वो बहुत जल्दी समझ लेता है, तो उसको अचानक से इनसाइट या फिर उसके अंतर्दृष्टि जाग जाती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी। लेकिन अगर कोई स्लो लर्नर है, कोई धीरे धीरे सीखता है, तो उस प्रॉब्लम को समझने में ही उसे टाइम लगेगा, ठीक है, वो हो सकता है अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करे, तो वहां पर इनसाइट जो है थोड़ा स्लो होगा। फिर थर्ड है आपका लर्निंग सिचुएशन, आपके सामने जो सीखने के लिए परिस्थिति है वो कैसी है। अगर आपके आसपास जो परिस्थिति है वो अच्छी है, ठीक है, एनवायरमेंट कंड्यूसिव है, मतलब सीखने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, तो आपका इनसाइट वहां पर स्ट्रांग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें
क्लासरूम में ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है वहां पर उनके लिए जो लर्निंग कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है, उनके उनको वहां पर पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, आप ये कह सकते हैं। कई लोग जो होते हैं क्लासरूम के ज्यादा ट्यूशन में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, टीचर मेरे ऊपर इंडिविजुअली फोकस कर रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा कंड्यूसिव है कि मैं अच्छी तरह से उस प्रॉब्लम को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, अपना उसमें ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ, ठीक है। तो लर्निंग सिचुएशन जो होती है वो सबकी डिफर करती है, और ये इनसाइट भी जो है आपकी लर्निंग सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। जिस व्यक्ति के लिए जैसी लर्निंग सिचुएशन सूटेबल होती है उसका इनसाइट उस सिचुएशन में उतना ही अच्छा होता है। फिर है इनिशियल एफर्ट्स, प्रारंभिक प्रयास। तो देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आपको कुछ इनिशियल एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जब तक आप इनिशियल एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, किस तरह से सॉल्व नहीं हो सकती। आप इस एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे कि यहाँ पर चिंपैंजी जब ये बनाना को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है तो पहले कुछ इनिशियल एफर्ट्स भी तो कर रहा है, ठीक है। वो इनको हर स्टिक से पहले इस स्टिक से इसको अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है, फिर दूसरी स्टिक से इसको अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है, तो इनिशियल एफर्ट्स तो हैं यहाँ पर। पहले प्रारंभिक प्रयास करेगा, उसके बाद जब उसने खेलना शुरू किया इन स्टिक से तब उसे अचानक से बैठ के आइडिया आ गया, क्योंकि इस प्रॉब्लम को वो अपने दिमाग में सोच रहा था, ठीक है, और सोचते सोचते उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया। और नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, यानी दोहराव और सामान्य। तो रिपीटेशन यानी दोहराव, अगर मान लीजिए सेम सिचुएशन आपके सामने बार बार आती है तो ऑब्वियसली आपका इनसाइट यहाँ पर आपको बता देता है कि ये काम किस तरीके से होगा, ठीक है। और एक ही तरह का काम जब आप सीख जाते हो और वैसी ही सिमिलर सिचुएशंस आपके सामने आ जाए तो आप वहां पर ऑब्वियसली अपनी सीखी हुई जो आपकी लर्निंग है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो इनसाइट यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है इस थ्योरी का, इसको देखते हैं। सबसे पहला है आपका लर्निंग पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड होती है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख सीखना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी जो लर्निंग हो रही है वो हमेशा पर्पसफुल होती है, यानी उद्देश्यपूर्ण होती है, किसी गोल या किसी लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते हो, ठीक है। आपका कोई उद्देश्य होता है उसकी तरफ आप बढ़ते हो, अपने प्रयास करते हो। जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट में भी देख रहे थे तो सुल्तान के लिए बनानास को लेना उसका गोल था, उसकी तरफ वो काम कर रहा था। तो लर्निंग जब भी होती है, सीखना जब भी होगा वो हमेशा किसी लक्ष्य की तरफ होगा, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होगा। फिर सेकेंड है आपका मोटिवेशन टू द लर्नर। तो जो इनसाइट थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि सीखने के लिए मोटिवेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इनसाइट भी तभी आएगा जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोटिवेटेड है। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी है लेकिन कोई स्टूडेंट जो है उसको सॉल्व ही नहीं करना चाहता, तो इनसाइट आने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। उसकी अंतर्दृष्टि तो जागेगी ही नहीं, क्योंकि वो समस्या का समाधान ही नहीं निकालना चाहता है। समस्या का समाधान जब निकालने की इच्छा एक स्टूडेंट के अंदर होगी तभी तो उसका इनसाइट आएगा। क्योंकि देखिए सूझ भी कब आ रही है, जब हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर लगातार सोच रहे हैं, उसके ऊपर हमने काफी कोशिश करी फिर हम उसमें नहीं कर पाए, अचानक हमारे दिमाग में एक आइडिया आया फिर हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, ठीक है। तो मोटिवेटेड होना चाहिए हम, जब तक अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे एक समस्या का समाधान निकालने के लिए तब तक हम कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तब तक हमारी लर्निंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका चेकिंग ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जैसा कि हमें स्कूल के एनवायरमेंट में हमेशा कहा जाता है कि बच्चे ने के पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, पूर्व ज्ञान कितना है बच्चे को, वो हमें हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उससे रिलेटेड या उसके आगे का जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस को ही बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। आधार आप क्या रखेंगे, पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान पे आधार बनाकर आप बच्चे के सामने जब कोई नई प्रॉब्लम या नई समस्या रखते हैं तब बच्चा उसके ऊपर एक्ट करता है। और अगर आपको बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का पता ही नहीं है, आपने ऐसे ही बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रख दी, आपको यही नहीं पता कि क्या वो उस तक पहुंचने के लिए केपेबल है, क्या उसके पास इतना ज्ञान है कि वो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, या उसके लेवल से बहुत ज्यादा हाई है, या फिर मान लीजिए हो सकता है आपने कोई प्रॉब्लम रखी आपको पता ही नहीं था कि भाई ये तो ऐसी चीजें पहले से ही जानता है, उसने फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व करके रख दी, तो उसे कुछ न्यूनेस नहीं लगेगी, है ना, उसे कुछ नयापन तो लगेगा नहीं नया सीखने में। इससे भी बच्चा क्या होता है, बच्चा डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, रुचि नहीं रहती उसे, उसे लग रहा है कि उसे तो कुछ नया सीखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। तो हमें हमेशा एक प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का यानी पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए कि बच्चा किस लेवल पे है, ताकि हम उसी को बेस बनाकर उसके सामने नई चीज रखें ताकि वो हमेशा सीखने के लिए अभिप्रेरित रहे। फिर नेक्स्ट है आपका अक्वेंट विद स्पेसिफिक एम्स एंड पर्पजेस ऑफ द लर्निंग। हमने कहा कि भाई जो लर्निंग होती है हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, कोई लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होती है हमेशा लर्निंग। तो फिर
बच्चे को हमेशा पता होना चाहिए कि जो वो सीखने जा रहा है क्लास में उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसका लक्ष्य है, आगे उसके क्या काम आएगी। आजकल तो बुक्स में भी हमने देखा है कि आपका जो चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही वहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा क्या सीख पाएगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स वहां पे लिखे हुए होते हैं। तो टीचर का भी यहाँ पर रोल ये होता है कि जब भी आप क्लास लेने जा रहे हैं आप बच्चे को ये भी समझाएं या बताएं कि इस टॉपिक को सीखने से बच्चा क्या कर पाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को सीखने का उद्देश्य क्या है, क्या उसके काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये भी हमें पता होना चाहिए और बच्चे को भी इसका ज्ञान हमें करवाना है। फिर नेक्स्ट है इम्फेसिस ऑन सिचुएशन एज अ होल मैक्सिम फ्रॉम होल टू पार्ट्स। तो हमें किसी भी परिस्थिति को समग्र रूप से देखना है। ठीक है, हमें इम्फेसाइज करना है कि बच्चा भी किसी भी सिचुएशन को होल एज अ होल देख सके, उसे समग्र रूप से देख सके। जो आपका मैक्सिम आया है, मैक्सिम क्या है आपका, शिक्षा सूत्र। ठीक है, संपूर्ण से भागों तक, तो फ्रॉम होल टू पार्ट्स जो मैक्सिम आया है वो आपका इनसाइड थ्योरी से ही आया है। होल टू पार्ट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले आपने ट्री के बारे में बच्चे को बताया और फिर आपने उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, लीव्स क्या होती हैं, उसकी बार्क क्या है, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फिर हायर लेवल पे जाकर इसके और पार्ट्स वगैरह भी पढ़े जाते हैं, इसकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ी जाती है, सेक्शंस पढ़े जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ परसेप्चुअल फील्ड्स एंड लर्निंग मटेरियल एज अ होल, एक अवधारणात्मक क्षेत्र और समग्र रूप से सीखने की सामग्री का संगठन। तो बेसिकली जितना भी लर्निंग हमें एक स्टूडेंट की करवानी है उसको हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एज अ होल। लर्निंग मटेरियल में आपका क्या क्या आ जाएगा और आपके जो जितने भी फील्ड्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप बात करें एक कंप्लीट ईयर की कि एक ईयर में बच्चा क्या क्या सीखेगा, जो लर्निंग मटेरियल होता है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते, उसे संगठित करते। बच्चा जो करिकुलम पढ़ेगा वो क्या होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या रखी जाएंगी, स्पोर्ट्स में क्या बच्चे को सीखने को मिलेगा। फिर करिकुलम में भी आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, टर्म्स होते हैं, टर्म वन होता है, टर्म टू होता है, इसके अलावा एग्जाम्स कैसे रखे जाएंगे, यूनिट्स क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, मंथली टेस्ट कैसे होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी। इनके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं लेकिन इनको एज अ होल एक यूनिट के रूप में, ठीक है, एक इकाई के रूप में आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि एक बच्चा एक ईयर में इतनी चीजें सीख पाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, हमें सिर्फ उसे पढ़ाना नहीं है, हमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। उस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितने भी आपके फील्ड्स में हमको जरूरत है कि किन किन क्षेत्रों में हमें बच्चे को क्या क्या सिखाना है या जो लर्निंग मटेरियल है उसको किस तरीके से बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है, उसको भी हम क्या करते हैं, एक होल यूनिट की तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप्स। इनसाइड थ्योरी में बच्चे के अंदर समस्या समाधान का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। ठीक है, इनसाइड है ही क्या, जहां पर बच्चा अपने अंतर्दृष्टि से अपनी सूझ से सीख रहा है। तो यहां पर आप क्या है, टीचर बार बार बच्चों के सामने समस्याएं रखती हैं और बच्चे जो हैं उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं अपनी सूझ से, अपने इनसाइट से। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट है एनकरेजेस रीजनिंग, डेवलप्स थिंकिंग, ट्रेन्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। तर्क को प्रोत्साहित करता है, सोच विकसित करता है, कल्पना और रचनात्मक गतिविधि को प्रशिक्षित करता है। देखिए जब इनसाइट आ रहा है तो इनसाइट से बच्चा क्या कर रहा है, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता आ रही है कि कौन सा काम किस तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा। उसकी थिंकिंग, उसकी सोचने की शक्ति जो है उसका विकास हो रहा है, वो इमेजिन कर पा रहा है। कभी कभी बच्चे किसी किसी प्रॉब्लम का बहुत ही अटपटा सा सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन जो होती है, उनकी कल्पना बहुत ज्यादा अलग होती है ना, और बहुत विस्तृत होती है। वो बहुत से सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या चीज फिजिबल है क्या चीज नहीं है, लेकिन वो सॉल्यूशंस देते हैं कि क्या ये काम इस तरह हो सकता है, क्या ये उस तरह हो सकता है, ये वो इस तरह के सॉल्यूशंस देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इमेजिनेशन को ये विकसित करता है, उनकी थिंकिंग को डेवलप करता है, रीजनिंग को डेवलप करता है कि वो सोच पाए कि कोई काम कैसे हो सकता है कैसे नहीं। इसके अलावा क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता को भी ये बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत दृष्टिकोण। तो हम यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए हैं
उनको भी इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है उसका बच्चों को पता होना चाहिए। मैथ्स में जो इक्वेशंस है वो हमारी फिजिक्स से भी जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं में फिजिक्स में भी काम आएंगे। इंग्लिश और हिंदी है, इनमें भी आपके क्या होते हैं ग्रामर जो होती है वो कहीं ना कहीं एक जैसी, भाई ये जो नाउन है हिंदी में से संज्ञा कहते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो हमें अपनानी चाहिए। बच्चे को हमें कोरिलेट करके समझाना है, ठीक है, तो बच्चे को सब चीज समझ में आनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट में जो हम सीख रहे हैं वो दूसरे सब्जेक्ट से भी किस तरीके से रिलेटेड है। और सिर्फ यही नहीं, जो चीजें हम थ्योरेटिकली सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होंगी। तो बेसिकली आपको सब चीजों को क्या करना है, समग्र रूप से बच्चे को समझाना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी है, एकीकृत दृष्टिकोण लेकर आना है। नेक्स्ट है इम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग। मेयर रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप, जैसे कि हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स में देख रहे थे ना, जो उद्दीपक आपने दिया उसके प्रति एक रिस्पॉन्स की लर्निंग हो गई, ठीक है, वहां पर एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ हैबिट फॉर्म करना या रोट लर्निंग के ऊपर बल नहीं दिया गया है। इनसाइड थ्योरी तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करती है कि बच्चा कोई भी जो उसके सामने चीज है उसको समझे और उसको समझ कर उसके ऊपर रिएक्ट करे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया गया है, ठीक है। जब तक बच्चा अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ेगा, समझ के चीजों को नहीं पढ़ेगा, तब तक वो एक चीज जो सीखी है उसने उसको वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर सिमिलर सिचुएशन सामने आई तो उसको वहां अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। अगर हम कुछ क्रिटिसिज्म यानी कि आपके आलोचनाओं की बात करें तो इसमें पहला क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं स्मॉल चिल्ड्रन या फिर जो डल बच्चे होते हैं, ठीक है, ये बच्चे इनसाइट से नहीं सीख सकते, ठीक है ना। इन बच्चों के लिए ट्रायल और एरर ही ज्यादा बेटर मेथड होता है, जहां पर हमको बच्चे के अंदर हैबिट फॉर्मेशन करानी होती है। तो छोटे बच्चे जैसे नर्सरी केजी वगैरह के बच्चे होते हैं, उनमें देखा होगा आपने हैबिट फॉर्मेशन ज्यादा कराई जाती है, तो वहां हम इनसाइट के थ्रू बच्चों को नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चों की जो इनसाइट होती है, सूझ होती है, वो अभी इतनी डेवलप नहीं होती है कि हम वहां पर बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम रखें और बच्चे इनसाइट के थ्रू उसे सॉल्व कर सके। ऐसे डल चिल्ड्रन के साथ भी होता है, हमने इंटेलिजेंस का रोल पढ़ा कि इंटेलिजेंस का रोल होता है आपका लर्निंग थ्रू इनसाइट में, लेकिन अगर बच्चा डल है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल कम है, तो वहां पर इनसाइट उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती है। फिर सेकंड आपका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि इनसाइट में ये बिहेवियर्स थ्योरीज को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन हम यहां भी देखेंगे कि प्रारंभिक प्रयासों की हमने बात करी तो ट्रायल एंड एरर तो यहां भी है, ठीक है ना। जब तक पहले कुछ प्रारंभिक प्रयास नहीं किए जाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म को यह पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से यह काम नहीं हो सकता, तब तक वो उसका जो इनसाइट है वो भी उसको हेल्प नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रायल्स तो करने ही पड़ते हैं। तो हम इसको बिल्कुल ही रूल आउट नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ट्रायल एंड एरर हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। बहुत सारे प्रयास और त्रुटियों के बाद ही लास्ट में जाकर हमें कोई सोल्यूशन मिलता है हमारे इनसाइट। इसके अलावा बहुत सी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो इनसाइट से सॉल्व नहीं की जा सकती। ऐसी प्रॉब्लम जो नॉर्मली हम आसानी से नहीं समझ सकते, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स या जटिल परेशानियां होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हर तरह की जो परेशानी है सारी की सारी सिर्फ इनसाइट से ही सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। कईयों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तब जाकर हम एक फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो हर चीज सिर्फ इनसाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये नहीं है कि हम सारी लर्निंग जो है इनसाइट के थ्रू ही कर पाए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं आपके इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के। अगर आपने अभी तक लर्निंग की बाकी थ्योरीज नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगी, आप उन थ्योरीज को भी देख सकते हैं। इस चैनल पर आने वाले वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद कर पाएं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।